फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं माधव नगर। ये माधव नगर के अंदर का व्यू है जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ये सामने आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिख रही है जहाँ गोले बारूद के खोल बनाए जाते हैं। एक गेट है, फाटक है, जो एनकेजेस साउथ कटनी के पहले पड़ता है। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बगल से रास्ता गई है, वो वहाँ का व्यू आपको दिखा रही है अभी। तो ये पूरा रोड के किनारे किनारे पूरा फूल पत्ती लगी हुई है, क्योंकि लगाया नहीं गया है, वहाँ पे नचली पहले से ही है। ये रास्ता जाता है मेन रोड में, जो जिसको बोलते हैं माधव नगर गेट, वहाँ पे निकलता है। अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो आपको व्यू दिखाते हुए चल रहे हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है चलने में यहाँ पे। ये छोटी सी फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये जियो का टावर है। ये ऑर्डिनेंस की कॉलोनी है, यहाँ पर क्वार्टर वगैरह मिले हुए हैं, छोटा सा पार्क है। अब पूरा जंगल जंगल एरिया है। यहाँ पे सभी प्रकार के क्वार्टर बने हुए हैं, हर कैटेगरी के लोगों के लिए जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं। बिल्कुल हरा भरा रास्ता है यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये अपन कुछ देर से निकलने वाले हैं माधव नगर गेट। ये अभी हम जागृति पार्क के आसपास, जो फ्रेंड्स आए होंगे उसको पता होगा। इसके अगर राइट जाते हैं तो अपन को जागृति पार्क पड़ेगा, अगर सीधे जा रहे हैं तो हमको माधव नगर गेट मिलेगा, जो कि गोलू रेस्टोरेंट के सामने होगा जस्ट। यहाँ की दीवारों पर बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है। अगर वहाँ से निकलने के बाद अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो पेट्रोल पंप पड़ता है, हमने यहाँ पे पेट्रोल लिया था जस्ट निकलने के बाद। एक गोलू रेस्टोरेंट होते हुए बगल में हनुमान मंदिर है, यहीं पे पिज़्ज़ा डोमिनोज है। जस्ट हम कटनी सिटी की ओर आ रहे हैं अभी। तो इस वीडियो में हम आपको कटनी का ओवरऑल व्यू दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर फ्रेंड्स अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। ये है कलेक्टर भवन है, कलेक्टर निवास है। इस वीडियो में हम अधिकांश से कटनी का पूरा कवर करने का कोशिश करेंगे। प्लीज फ्रेंड, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिएगा।
जो फ्रेंड कटाय घाट वगैरह घूमने जाना चाहते हैं, घूमने की अच्छी जगह है कटाय घाट। कटाय घाट जाने के लिए ये जो आपको रास्ता दिखेगा, इसके अंदर से इसके अंदर जाना पड़ेगा, करीब आधा किलोमीटर पड़ेगा आपको इसके अंदर कटाय घाट, और इसका नाम बदल के सुगम्य पार्क रख दिया गया है। घूम सकते हैं, घूमने की अच्छी जगह है फ्रेंड्स। और उसके जस्ट थोड़ा आगे है विशाल मेगा मार्ट, सामने न्यू बिल्डिंग बन रही है मार्केट के लिए। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको पूरा वीडियो कवर करने चाहते हैं, पूरा जो भी व्यू हो वो हम कवर करेंगे। ये मच्छी बाजार है, यहाँ पे अगर किसी फ्रेंड को मछली वगैरह लेना होता तो यहीं पे बाजार लगता है, क्योंकि बहुत दिनों से चला आ रहा है। इसके बगल में जस्ट बगल से यहीं से शुरू होता है अपन का ब्रिज, सिटी ब्रिज जो है वो भी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा ब्रिज है फ्रेंड्स। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती है, जो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा ब्रिज कहलाता है। इसके नीचे से अपना जो रेलवे का ब्रिज जा रहा है KGS प्रोजेक्ट का, जिसे उड़ता जंक्शन के नाम से जाना जाता है, जो कि मैं आपको दूसरे वीडियो में दिखा रखा हूँ, वो ब्रिज इसके नीचे से जाने वाला है, इसलिए इसकी हाइट इतनी ऊपर रखी गई है। आगे पड़ेगा आपको सागर पुल, हम सागर पुल के अंदर हैं अभी तो। इसके बाद पड़ेगा आपका मिशन चौक, जो कि कटनी का मेन चौराहा कहलाता है। ये कटनी सिटी का मेन चौराहा है, यहाँ का पे एक पेट्रोल पंप भी है। ये जो रास्ता सीधे जा रही है यहाँ से जाएगी, वो जाएगी रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर है। यहाँ पर पड़ेगा आपका गर्ल्स कॉलेज, कटनी गर्ल्स कॉलेज है। और जैसे इसी के बगल में पड़ेगा आपका नगर निगम, ये अभी हम आ चुके हैं घंटाघर के आसपास, जिसको गोल बाज़ार भी कहते हैं। इसके पहले गोल बाज़ार है, गोल बाज़ार पे अभी आपको गोल बाज़ार का मार्केट दिखाना चाहूँगा। ये फ्रेंड्स बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें होती हैं। अब हम आ रहे हैं ये मुड़वारा में, मुड़वारा स्टेशन से निकल रहे हैं। ये TC के लिए नया रनिंग रूम बना है, जस्ट उसके पीछे से हम आ रहे हैं मुड़वारा स्टेशन। जो फ्रेंड्स मुड़वारा स्टेशन होते हैं उनको पता होगा, ये भी एक पुरानी बिल्डिंग है जो कि टूटने वाली है अभी, वही KGS प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसके आगे पड़ेगा आपका सिविल लाइन, अभी हम सिविल लाइन पे हैं, जो कि नालंदा स्कूल के आसपास का एरिया सिविल लाइन कहलाता है। ये आपको नालंदा स्कूल दिख रहा है, जैसे इसके बगल में मंदिर है। यहाँ पे आपको राज्य सोनोग्राफी वाला मिलेगा। जस्ट इसके सामने रेलवे स्टेशन है, इसके आगे आपको पड़ेगा ये बोले तो सिविल लाइन ब्रिज, या बोले तो गायत्री नगर ब्रिज। यहाँ से अपन निकलेंगे गायत्री नगर, सीधे निकलेंगे अभी हम लोग गायत्री नगर की ओर जा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये पूरा रेलवे ट्रैक के बगल से ही रास्ता है,
गायत्री नगर जाने के लिए। ये रास्ता जब सभी जाती हैं तो गायत्री नगर की ओर अंदर की ओर जाती हैं, सीधे जो जाती है तो एनकेजे निकल जाती है। इसके आगे पड़ेगा आपका एक कोचिंग सेंटर है, नोवल क्लासेस हैं इसी के बगल में। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको यही KGS प्रोजेक्ट का पियर वगैरह दिख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले आपको दिखा कैप्सूल वाला ब्रिज, कैप्सूल वाला जो है वो पियर दिखा है। पियर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पियर का भी हो चुके हैं, पियर तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। ये आपको व्यू दिख रहा है, आसपास से बोलें तो ही पड़ेगा आपका बाबा घाट, ये नियस्टा कीज है, नियस्टा कीज बाबा घाट के पहले नियस्टा कीज पड़ जाता है, वहाँ का व्यू अभी तक आपको दिखा रहे थे। ये आपको बाबा घाट दिख रहा है, जो फ्रेंड बाबा घाट नहीं आए हों वो देख सकते हैं। अभी हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, किसी दिन में आपको स्पेशल वीडियो देंगे बाबा घाट के अंदर का। जय श्री के बगल में श्री कैबिन है, जो कि NKG का आउटर कहला है, उसका मेन जंक्शन का आउटर कहलाता है। स्टेप वाला पियर आपको दिख रहा है, कुछ स्टेप वाले पियर भी हैं, कुछ सिंपल पियर हैं। यहाँ से NKG एरिया लग जाता है, दूसरा रास्ता साउथ की ओर जाता है, दूसरा रास्ता जो जाता है SKP की ओर जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, ये नई बिल्डिंगें तैयार की गई हैं जो कि इसी प्रोजेक्ट की पावर सप्लाई करने के लिए है। ये लेवा कॉलोनी है, इसका रेंटी का लेवा कॉलोनी है, जहाँ पे लेवा के रहने के लिए और सब कुछ करने के लिए रूम्स वगैरह दिए गए हैं। TP2 एरिया कहलाता है, चार पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, पूरे प्रोजेक्ट को चार पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, TP1, TP2, TP3 और TP4। अभी हम लोग TP2 में हैं। ये पावर सप्लाई करने के लिए स्पेशल ग्रिड बनाया गया है इरकान के द्वारा। अभी हम पहुंच चुके हैं NKG। NKG में छोटा सा मार्केट भी है जो कि आगे पड़ेगा आपके। यहाँ रेलवे के साइड है जहाँ पे मालगाड़ी के रिपेयर वगैरह किया जाता है बोगी की। आपको हाइड्रा दिख रहा है, ये शटर पड़ा हुआ है। ये सारा बिल्डिंग टूटने वाला है यहाँ का। ये सभी पोर्शन हटने वाला है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज आएगा। ऑलमोस्ट बिल्डिंग टूट चुकी हैं, कुछ अभी बिल्डिंग टूटना है। जैसे इसके सामने RPF है, ये आपको RPF थाना दिख रहा है क्योंकि NKG के अंतर्गत आता है। आपको लोकल होटल दिख रहा है जो कि NKG में फेमस है।
अभी हम NKG जा रहे हैं, जिसको न्यू कटनी जंक्शन कहते हैं। आपको दिखाया गया कटनी, न्यू कटनी जंक्शन कैसा है। सभी फ्रेंड को लगता है कि कटनी में दो ही तीन ही स्टेशन है, जो पहला कहलाता है कटनी स्टेशन मेन कटनी जंक्शन, दूसरा मुड़ वाला, तीसरा कटनी साउथ, ये चौथा भी है जिसको NKG कहते हैं। स्टेडियम सामने आपको दिख रहा है, रेलवे स्टेडियम है। आज हम आपको दिखाएंगे चौथा रेलवे स्टेशन जो न्यू कटनी जंक्शन है। यह न्यू रनिंग रूम है, जो कि लोको पायलट को रुकने और खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए किया गया रेस्ट है। यहाँ हम आ चुके हैं न्यू कटनी जंक्शन। ये पुराना रनिंग रूम था। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे लिखा न्यू कटनी जंक्शन। हालांकि यहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं बनाया गया है, लेकिन कुछ लोकल ट्रेनें हैं यहाँ रुकती हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।